भगवान का दर्शन करने से रोका जा रहा है, बताइए। अबे बोले बोलो साहब। अरे मेरे भाई नहीं मनाऊंगा, घूमने तो दो। अरे यार भाई साहब, तो दोस्तों थंबनेल देख के आप यहाँ पे आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे भक्तों को दर्शन करने से रोका जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये मंदिर और कहीं नहीं हमारे प्रयागराज में है दोस्तों। अक्षरधाम मंदिर जैसा कि दिल्ली में आपने देखा होगा, उसी के एक सब ब्रांच है प्रयागराज में, केपी ग्राउंड के ठीक सामने। वहाँ के मंदिर की मैं कल गया था वहाँ पे दर्शन करने दोस्तों, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है, खासकर एक गार्ड और वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी, इतने बदतमीज है दोस्तों कि वो भक्तजनों को दर्शन करने से रोक रहे थे और उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दे रहे थे और दरवाजा खोल नहीं रहे थे और बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे। हुआ ये दोस्तों कि जब मैं वहां गया तो मैं सोचा कि एक हिडन प्लेस है, आपको जरूर दर्शन करना चाहिए, तो आपके लिए कवर करें। जब आगे वीडियो बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि कल क्या क्या हुआ वहां पर। तो मैं वहां पहुंचा, मैं बाहर मंदिर के बाहर इंट्रो शूट कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मंदिर के अंदर कैमरा फोन कैमरा और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। तो दोस्तों मैं बाहर अपना शूट कर रहा था इंट्रो, वो गार्ड जो था देखा, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया दोस्तों। इतना तकलीफ हुआ मुझे, मैंने वीडियो बंद करी, मैंने उनसे कई बार निवेदन किया, वीडियो में आगे देखने को मिलेगा आपको, कि भैया दरवाजा तो खोलिए, वीडियो या फोटोग्राफी मना है मंदिर के अंदर, रोड पे नहीं, मंदिर के बाहर मैं वीडियो और फोटोग्राफी बना रहा हूँ, आप मंदिर खोलिए, मुझे दर्शन तो करने दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आधे घंटे तक मैं उनसे निवेदन करता रहा। लेकिन जब मुझे लगा कि ये कौरव, जी हाँ, महाभारत में भी एक कौरव था और एक पांडव थे, कौरव अत्याचार कर रहे थे, पांडव ने श्री कृष्ण ने कई बार समझाया कि ऐसा मत करिए, ये गलत है, लेकिन जब वो नहीं माने तो महाभारत का युद्ध हुआ दोस्तों। तो आधे घंटे के निवेदन के बाद पता नहीं कौन सी ताकत मेरे अंदर आ गई थी दोस्तों, सच बता रहा हूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, पता नहीं ऊपर वाले की कृपा हुई कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि मैं उन वहां के सारे लोगों से लड़ भिड़ा। और मैं आपको बताऊं कि दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर रहे थे, जब आधा घंटा समय मेरा सब्र का बांध टूट गया तब मैंने दरवाजा पीटना शुरू किया दोस्तों, तब वो खिसिया के दरवाजा खोला वहां के गार्ड ने और मेरे मुंह पे ऐसे बंद कर रहा था, मैंने ढकेल दिया और फिर बहुत ज्यादा बहसा बहसी हुई दोस्तों, और फिर हमें दर्शन करने को मिला और इस तरह महाभारत का युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई दोस्तों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से दर्शन किया मैंने स्वामीनारायण मंदिर जी का और उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि दर्शन करने अपराध नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियो होना ये चाहिए था कि उन्होंने मुझे देखा जब मैं अंदर जाता तो वो मुझे मना कर देते, मैं अपना फोन इस्तेमाल नहीं करता और ना ही वीडियो फोटोग्राफी बनाता। लेकिन जिस तरह का वहाँ का बिहेव था, जिस तरह का वहाँ का मैनेजमेंट का बिहेवियर था, बहुत गंदा था, और हिंदुस्तान के लोगों, एक भक्त को भगवान से दर्शन करने से रोका गया दोस्तों और मिसबिहेव किया गया। आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी इतना बदतमीजी से भगवान के दर्शन करने से रोका जा रहा है, जब मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम इंसान के साथ तो और बुरा व्यवहार करते होंगे वहाँ के लोग, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जरूर जाइए वहाँ दर्शन करिए, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ दर्शन करने पहुंचेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनल मंदिर नहीं है दोस्तों, वो आप भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के आगे आपको देखने को मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता चले हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ भक्तों को दर्शन करने से रोका जाता है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कल क्या हुआ। हेलो दोस्तों, ऋषभ सरप्राइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मई का महीना चल रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है प्रयागराज में। नीचे कमेंट करके आप मुझे बता देना कि आपके शहर में कैसी गर्मी पड़ रही है। और आज का जो ब्लॉग है एक हिडन प्लेस का ब्लॉग है दोस्तों, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर। तो आई होप
सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग गए होंगे, तो ये भी एक अच्छा सा मंदिर है, वो भी प्रयागराज में। बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। जैसा हम लोकेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लोकेशन की बात करूँ, ये मेडिकल के पास है, केपी ग्राउंड के सामने आपको ये टेम्पल मिल जाएगा दोस्तों। अबे वो भी बोलो था, अरे मेरे भाई नहीं बनाऊंगा, घूमने तो दो भाई साहब। तो भाई ये मंदिर का गेट है, बहुत चूतिया आदमी कसम सदार है, मंदिर के गेटे बंद कर दें यार। अबे अंदर बोलने वीडियो बनाना मना है, अंदर वीडियो भी नहीं बना है और बाहर ही सिर्फ बना रहा था, और साले गेट बंद कर दिए और खोल भी नहीं रहे हैं। और देखो ये है मंदिर का बाहर का गेट, और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इतनी गलत बात है ये, इतनी कार्तिक गलत बात है कि नहीं भाई? बहुत ज़्यादा भाई, अंदर थोड़े ना वीडियो बना रहा हूँ यार, यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा था इन्हें कि भाई अंदर नहीं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ बाहर बना रहा था। और जैसा इन्होंने कैमरा देखा वैसे गेट बंद कर दिए, कोई तमीज़ होती है? बहुत बदतमीज़ लोग हैं यहाँ पे, एकदम यहाँ का मैनेजमेंट एकदम बदतमीज़ है, बदतमीज़। भगवान भगवान के दर्शन करने से रोका जा रहा है। अबे अंदर वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई, बाहर से वीडियो बना रहा था और गेट बंद कर दिया, बताइए ये कोई तमीज़ है? बदतमीज़ है कि नहीं भाई? भगवान का दर्शन करने से रोका जा रहा है, बताइए। अरे अंदर वीडियो बनाना मना, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आप देखिए यहाँ पे कैमरे पे, मैं रोड पे खड़ा हूँ, ये मंदिर का गेट है, मैं सिर्फ बाहर बना रहा था वीडियो और अंदर गेट बंद कर दिया इन्होंने। कहा सुनी के बाद आखिर में दर्शन हमें हो गया अंदर से। अंदर का टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है, मैं गेट यहाँ से दिखा दूँ, देखिए गेट है स्वामी नारायण मंदिर प्रयागराज, और इस मंदिर के पीछे जो आप वो देख रहे हैं उस पेड़ों के पीछे ही मेन टेम्पल है। और दोस्तों देखा आपने कि कल किस तरह मैं वहाँ पहुँचा, वीडियो शूट कर रहा था, उन्होंने दरवाजा बन के मैंने कई बार निवेदन किया और फाइनली दर्शन हुआ। ये प्रभु की इच्छा थी कि उन्होंने एक भक्त को इतनी ताकत दे दी कि मैं लड़ गया उनसे और दर्शन किया फाइनली। बहुत दुख होता है दोस्तों कि हिंदुस्तान का एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ भक्तों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें दर्शन करने से रोका जाता है। मेरी अपील है मंदिर ट्रस्ट से कि उस गार्ड को तो तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे इस तरह भक्तों के साथ अत्याचार ना हो दोस्तों, बहुत गंदा लगता है। और ये मंदिर, जैसा कि आपको वीडियो में पता ही चल गया होगा मंदिर कहाँ है, तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर जाइए, दर्शन करने जाइएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, जय श्री कृष्ण।